खबर है उत्तर प्रदेश के घोसी से, जहां जैसे जैसे तीसरे चरण के पंचायती चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे गौंड जाति के लोगों की परेशानी पर बल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि विकास खंड घोसी में दो ग्राम पंचायत बरौली व गौलीडीह में ग्राम प्रधान के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए। गौंड जाति को वैसे तो अनुसूचित जनजाति के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं पर गौर करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि मऊ जनपद में गौंड जातियां निवास नहीं करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब गौंड जातियां जनपद में निवास नहीं करती हैं, तो उनके लिए सीटें क्यों आरक्षित की गई? आपको बता दें, कई हफ्ते से गौंड जाति के लोग अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील मुख्यालय पर चक्रमण करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुरुवार को जनमुक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मंडला के नेतृत्व में गौंड जाति के सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने नेशनल हाईवे 29 पर जाम कर जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाए जाने की मांग उठाई। जब इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई, तो मौके पर कोतवाली प्रभारी कुमुद शेखर सिंह व वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर नेशनल हाईवे के जाम को खुलवाया। वहीं वार्ता के दौरान उप जिलाधिकारी डॉक्टर CL सोमकर ने कहा कि जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, वह उप जिलाधिकारी कार्यालय में लाकर प्रस्तुत करें। इसके बाद पुनः सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तमाम सीटों को आपत के अभाव में एक ही दो नई नई दावी के जवाब नूतन लोगों को नहीं जाएगा। एक ही प्रमापत एक एक आदमी का है, तो सर हम चाहते हैं सर कि तमाम लोग चुनाव ना के विभाग की किस्मत को अजमाने थोड़ी देर बाद कॉल करिए। देखिए तमाम आवेदन हुए हैं, तमाम देखिए आवेदन हुए हैं, सब तमाम लोग आवेदन हुए हैं। देखिए प्रमाण पत्र पहले वाले कितने हैं, पहले वाले कितने लोग हैं वो जरा सुरक्षित रखिएगा। जो बना है जो बने हैं उनका दे दो मेरे को। जितना है सर उसमें सारे में पुराना लगा हुआ है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।